नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हलचल न्यूज पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस में प्रियंका को मिलेगा बड़ा पद। बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। ये बदलाव 5 राज्यों में विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। संगठन को नए तेवर देने के लिए खड़गे कई राज्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बड़े पैमाने पर प्रभारी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हैदराबाद में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने से 9 घायल। जी हां, आपको बताते चले कि तेलंगाना के हैदराबाद में बुधवार को एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के ढहने से कम 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। एशियन चैंपियनशिप की तैयारी। अभ्यास करने साई सेंटर सोनीपत लौटे प्रदर्शनकारी पहलवान। जी हां, आपको बताते चले कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए पहलवान एशियन चैंपियनशिप और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और संगीता फोगाट समेत कई पहलवानों ने सोनीपत भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी है। विनेश फोगाट 9 जून को ही साई सेंटर में प्रैक्टिस के लिए आई थी। 26 नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का होगा पुनर्विकास। 6 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली में स्थित 26 नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया का पुनर्विकास करने जा रही है। इसके विकसित होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके मद्देनजर बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कांग्रेस के पोस्टर में फ्लाइंग किस देते दिखे राहुल गांधी। बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम विपक्ष दल के नेता शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। पटना की सड़कें होर्डिंग और बैनर से पटी दिखाई दे रही हैं। हर तरफ अलग अलग पार्टी के नेताओं के बैनर लगे हुए हैं। कांग्रेस भी इस बैठक में शामिल होने वाली है, लिहाजा राहुल गांधी की तस्वीर लगी पोस्टर लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नोएडा स्टेडियम पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया भर में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नोएडा स्टेडियम पहुंची। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी योग के लिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग आज दुनिया भर में फैला है। दुनिया न सिर्फ निवेश के अवसरों के लिए बल्कि एक विशाल वैश्विक व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही भारत की ओर देखती है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।